हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज हम कैनन 1200D के बारे में सीखेंगे, इसकी सेटिंग्स कुछ समझेंगे और कैसे इसको ऑपरेट करते हैं, कैसे फ़ोटो क्लिक करते हैं, कैसे वीडियो मोड होता है, क्या क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे बैटरी लगने का स्लॉट बना हुआ है। यहाँ पे हम बैटरी लगाते हैं। तो बैटरी कुछ इस तरह का आता है, इसका कैनन का ओरिजिनल बैटरी है ये। इस तरह इधर 4 पिन दिया गया है, इसको अंदर ऐसे करके लगाएंगे, ऐसे लगाते हैं और ये लॉक हो जाता है। इसके अंदर एक मेमोरी कार्ड लगाना होता है, आप 16 GB 32 GB जितना चाहे वो लगा सकते हैं। इसके साथ में हमको 16 GB का मिला था, तो ये 16 GB का मेमोरी कार्ड है। इसको इस तरह से लगाएंगे, इस तरह से यहाँ से प्रेस कर देंगे और ये लॉक हो जाएगा। उसके बाद इसका ढक्कन को इस तरह से बंद कर देते हैं, ये लॉक हो गया। ये ट्राइपॉड का माउंट है, यहाँ पे ट्राइपॉड को माउंट करते हैं टाइट करके, मतलब उसको लगाते हैं। ट्राइपॉड में ये वाला स्लॉट रहता है, घाट वाला। बैटरी का इसका 7.4 वोल्ट होता है DC, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये कैनन का सीरियल नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पे रहता है। यहाँ पे ये जो स्लॉट दिया गया है, इसके अंदर आप फ्लैश को लगा सकते हैं, एक्सटर्नल फ्लैश को। बाकी इसके अंदर इनबिल्ट तो एक रहता ही है। यहाँ पे एक माइक है जो रिकॉर्ड करता है साउंड को, वॉइस को। ये सबका कुछ यूज़ है, ये सबका सारा यूज़ है बताएंगे अभी आगे चल के सेटिंग में। ये मोड बटन है, इसको घुमाना पड़ता है, जो मोड में आपको जो करना है वो सब चीज़ है। तो हम इसमें से कुछ मोड्स बताएंगे, फ़ोटो किस में क्लिक करना चाहिए और वीडियो किस में क्लिक करना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं, देख करके फ़ोटो खींचते हैं। ये आगे में लेंस होता है, लेंस का माउंट होता है, इसको ऐसे खोला जाता है। ये बटन जो है इसको दबा करके खोलना पड़ता है। इसको दबाएंगे और फिर इसको इस तरह से गोल घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे और इस तरह से खुलेगा। यहाँ से आप लेंस को चेंज कर सकते हैं, जो भी कैनन का मॉडल है उसी कैनन का मॉडल को ही लगाना पड़ेगा, निकॉन का इसमें सपोर्ट नहीं करेगा। यहाँ पे ये जो दिया गया है, ये वाइट कलर का जो दिया है, वाइट कलर का डॉट है और इसमें वाइट कलर का डॉट है, उसके सामने में ऐसे मिला करके घुमाना है तो ये लॉक हो जाएगा, मतलब ये माउंट हो गया अच्छे से। ये कवर है, लेंस का कवर है, इसको इस तरह से निकालते हैं दबा करके। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ सेटिंग्स के बारे में, सेटिंग्स को समझ लेते हैं। ये जितना भी फंक्शंस है, आगे में सारा बटन दिया गया है, इससे आप ऑपरेट कर सकते हैं कैसे कैसे करना है। यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, इसे ऑन ऑफ करते हैं, इसको इधर कर देंगे, ऑन हो गया ये। यहाँ पे देखिए ये आ चुका है। अब सबसे पहले समझ लेते हैं इसके मोड के बारे में। तो सबसे पहले हमने ये मैनुअल, ये जो टिक लगा हुआ है यहाँ पे, जो भी रखेंगे उसके सामने होना चाहिए। तो अभी ये मैनुअल मोड है, इसमें क्या है, फोटो क्लिक होता है। ये तीन ऑप्शन जो है फोटो के लिए होता है, एम मतलब मैनुअल, ए भी मतलब अपर्चर वैल्यू, और टी भी मतलब वैल्यू। तो यहाँ से ये मोड के लिए होता है। तो हम सबसे पहले मैनुअल मोड को समझ लेते हैं। मैनुअल मोड में फोटो क्लिक करना चाहिए, इसमें बहुत ही बेहतरीन फोटो आता है। फोटो क्लिक करने के लिए ऑटो मोड में कभी रखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कैमरा डिसाइड करेगा कि किस तरह से फोटो लेना है, उसकी लाइटिंग क्या होनी चाहिए, सारा कुछ। और मैनुअल में क्या है कि आप अपने हिसाब से रख सकते हैं सब कुछ। अब सबसे पहला जो है मैनुअल मोड हो गया, एम मतलब मैनुअल मोड। यहाँ पे है ये जो वैल्यू है, इसको आपको लेंस के हिसाब से रखना होता है। जैसे अगर 50 mm का लेंस लगा हुआ है तो 50 के अराउंड ही होना चाहिए, 1/50 या फिर 1/60। तो अभी मेरा लेंस लगा हुआ है 1855 का लेंस लगा हुआ है, जो इसके साथ में आता है, बेसिक लेंस, किट लेंस बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर इसको वैल्यू चेंज करने के लिए अभी इसमें एरो जैसा बना हुआ है ऑरेंज कलर का, इसका मतलब हम अभी इस पर काम कर सकते हैं। और इसको घुमा करके हम वैल्यू उसका चेंज करेंगे। तो देखिए वैल्यू चेंज हो रहा है, तो इसको हम रखेंगे 50 to 60 रख सकते हैं, क्योंकि अभी 1855 का लेंस लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसका वैल्यू जितना कम रखेंगे उतना आपका बैकग्राउंड ब्लर होगा, ये वाला जो। तो इसके लिए हम आपको, इसके लिए हम इसमें पहले जाएंगे और उसके बाद इसका वैल्यू कम करेंगे। इसको दबा के रखना पड़ेगा, इसको दबा के रखें और इसका वैल्यू कम करेंगे। तो अभी सबसे कम हो रहा है 5 mm, मतलब इसको अगर जूम करके चेंज करेंगे वैल्यू, मान लीजिए, तो इसका वैल्यू और कुछ अलग चेंज होगा। अभी और कम हो रहा है, देखिए हो रहा है 4.5 हो गया। तो इस पे रख के और इसके बाद वाला जो सेटिंग है, ये ISO सेटिंग है, मतलब लाइटिंग आपको कितना चाहिए उसके लिए ये सेटिंग किया हुआ है। ISO को चेंज करने के लिए आप यहाँ से इस बटन से सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। इसमें गए और ISO अपने हिसाब से रख देंगे, जैसे अगर ज़्यादा लाइट है तो कम ISO रखेंगे, और लाइट कम है तो ज़्यादा ISO करके रखेंगे। 6400 तक इसका ISO स्पीड जाता है। तो फिलहाल अभी 4 रख के देखते हैं कि इस लाइट में कैसा काम करता है।
बाकी को सेटिंग है वो आगे बताता हूँ, पहले एक फोटो क्लिक करके देखते हैं। ये फोटो काफी अच्छा फोटो क्लिक हो चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये है मैनुअल मोड, लाइट अभी थोड़ा सा कम दिख रहा है, तो हम इसका ISO को और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ISO के अंदर जाएंगे और 800 कर देते हैं। अब फोटो क्लिक करके लेते हैं तो लाइट देखिए, आप देख सकते हैं अब लाइट थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। ये बटन प्रीव्यू के लिए होता है, जो लास्ट फोटो आपने क्लिक किया है उसके लिए होता है। ये लास्ट फोटो जो है वो यहाँ से देख सकते हैं, और अगर आज सही नहीं लग रहा तो यहाँ से फिर इरेज कर सकते हैं। इसको बटन दबाएंगे, यस नो करेंगे, कैंसिल और इरेज, इरेज कर देंगे, वो इरेज हो गया। इसको भी करना है इरेज, आके इरेज हो गया, इस तरह से करना है। बाकी का कुछ इसका इमेज का साइज और ये सारा कुछ जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।